हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो चलिए क्लास टू की पढ़ाई भी अब शुरू कर देते हैं। सो ये है हमारा रीडर बुक, ठीक है, जिसका नाम है रूट्स एंड विंग्स और ये है फ्रॉम श्रीजन पब्लिशिंग कंपनी, ठीक है। सो सिलेबस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि ये हमारी रीडर बुक है। सो देखिए ये है इसका कंटेंट पेज और देखिए इतने चैप्टर्स हैं, इतने लेसन्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। इसमें 9 लेसन्स हैं और 5 पोएम्स हैं, ठीक है, और बीच बीच में कुछ पीरियोडिक टेस्ट भी दे रखा है, ठीक है, आपके टेस्ट के लिए। ओके, सो ये है इसका कंटेंट पेज। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 से। सो आज करते हैं लेसन नंबर 1, अ पार्टी फॉर मॉम। सो ये है हमारा लेसन नंबर 1, अ पार्टी फॉर मॉम, ठीक है। सो मॉम के लिए एक पार्टी, तो वो क्यों है वो पार्टी, वो हमें पता नहीं, तो चलिए देखते हैं लेसन में। सो कोई अपनी मॉम के लिए एक पार्टी मनाने वाला है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं लेसन में क्या बताया गया है। सो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको करनी है, ड्रॉ एंड कलर अ पिक्चर ऑफ योर मॉम, ठीक है। आपको अपनी मम्मी का पिक्चर बनाना है और उसमें कलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स भी दिया गया है, यहाँ पर आपको मम्मी का बनाना है और कलर करना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट हर, और नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। देखते हैं, द नेम ऑफ माई मदर इज डैश, यहाँ पर आप अपने मम्मी का नाम लिखेंगे। आई कॉल हर डैश, आप अपने मम्मी को किस नाम से बुलाते हो, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं जो हम मम्मी के लिए यूज करते हैं, मॉम, मम्मी, मामा, माँ, ठीक है। तो इनमें से जो नाम आप अपनी मम्मी को बुलाते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। सो ये दो चीजें हैं जो आपको इस पेज पे करना है। अब लेसन की तरफ चलते हैं। सो ये है हमारा लेसन, ठीक है, अ पार्टी फॉर मॉम। सो ये देखिए एक कॉमिक की तरह है ये स्टोरी, जैसे हम कॉमिक्स की बुक पढ़ते हैं ना, वैसी है ये स्टोरी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है विथ पिक्चर्स। तो चलिए देखते हैं। डू यू नो वेन मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड, क्या आपको पता है मदर्स डे कब मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता है आजकल सबके लिए एक दिन मनाया जाता है, फादर्स डे, मदर्स डे, ठीक है, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, डॉटर्स डे, ऐसे आजकल सारे दिन मनाए जाते हैं, सबके लिए एक स्पेशल डे मनाया जाता है। तो ये बता रहे हैं कि क्या आपको पता है मदर्स डे कब मनाया जाता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ अंजू एंड हर फैमिली सेलिब्रेटेड, तो चलिए देखते हैं अंजू और उसकी फैमिली ने मिलकर ये मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया। तो अभी आपको पता चला पार्टी फॉर मॉम मतलब क्या है। पार्टी फॉर मॉम मतलब मम्मा के लिए एक पार्टी, ऑन द ओकेशन ऑफ मदर्स डे मतलब मदर्स डे के लिए है मम्मा के लिए ये पार्टी, उनका कोई बर्थडे नहीं है, ठीक है। सो मदर्स डे भी हमें अपनी मम्मियों के लिए मनाना चाहिए, तो इसी के बारे में यहाँ पे अब देखेंगे हम, ठीक है। अंजू एंड एवरीवन इन द फैमिली इज हैप्पी, अंजू और घर के बाकी सारे सदस्य आज बहुत खुश हैं। दे आर रेडी फॉर अ पार्टी, वो सब पार्टी के लिए तैयार हैं। इट इज फॉर हर मॉम, और जो पार्टी है वो उसकी मम्मा के लिए है, उसकी मॉम के लिए, किसकी मॉम, अंजू की मॉम के लिए, ठीक है। सो देखिए पिक्चर में ये है अंजू, ये उसकी मम्मी, ये उसका ब्रदर और ये है पापा, ठीक है। हर मॉम रिनी, सो मम्मी का नाम क्या है, रिनी है, ठीक है। हर मॉम रिनी हैज गॉन टू द मार्केट, सो मम्मी जो है मार्केट गई हुई थी। हर ब्रदर जीत, और ब्रदर का नाम क्या है, जीत, ठीक है। सो ये जीत है और मम्मी का नाम रिनी है। एंड फादर शरद, फादर का नाम क्या है, शरद, ठीक है। तो ये तीन नाम आप याद रखिएगा, पापा का नाम शरद, मम्मी का नाम रिनी, इस गर्ल का नाम है अंजू और उसके भाई का नाम जीत। सो ये इनकी फैमिली है। सो मम्मी जो है मार्केट गई हुई थी, एंड हर ब्रदर जीत एंड फादर शरद वेट फॉर हर टू कम बैक। सो अंजू, अंजू के पापा और भाई, ये तीनों जो है मम्मी का वेट कर रहे थे, मम्मी जो है मार्केट में गई हुई थी, ठीक है। क्यों वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मम्मी के लिए आज पार्टी जो मनानी है, ठीक है। तो जैसे ही मम्मी घर में आई, देखो उन्होंने क्या बोला, हैप्पी मदर्स डे मॉम। सो मम्मी के लिए बोला हैप्पी मदर्स डे। सो मम्मी ने क्या बोला, ओ व्हाट अ सरप्राइज, वाओ ये कितना अच्छा सरप्राइज है।
देन देखिए, आई हैव अ कार्ड फॉर यू मॉम। सो अंजू बोल रही है, देखो मम्मी मेरे पास आपके लिए एक कार्ड है। सो अंजू ने मम्मी के लिए एक कार्ड बनाया। मम्मी ने बोला थैंक्स। देन ये कौन है, ये ब्रदर है जीत, ठीक है। हेयर आर फ्लावर्स फॉर यू मॉम। देखो मॉम मैं आपके लिए फूल लाया हूँ, फ्लावर्स है मेरे पास आपके लिए। सो मम्मी बोली थैंक्स जीत। सो मम्मी को जो है बहुत सारे तोहफे मिल रहे हैं मदर्स डे के ओकेशन में। देन अब देखो मम्मी क्या बोल रही है। सो ये आपको समझना है कि ये कौन बोल रहा है, ठीक है। ऐसे बॉक्स दिया है और जिस पर्सन की तरफ ये एरो है ना, तो उसका मतलब वो बोल रहा है, ठीक है। कॉमिक्स बुक्स ऐसे ही होती है ना, ठीक है, आपने पढ़ी होगी। सो देखते हैं, दीज आर वेरी नाइस, थैंक यू। सो मम्मी बोल रही है दे वाओ, ये सब कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा है ये सब, थैंक यू। पापा से बोली मम्मी, ठीक है। सो पापा ने क्या बोला, टुडे इज द सेकेंड संडे ऑफ मे, इट इज मदर्स डे। सो देखा मदर्स डे कब मनाया जाता है, सेकेंड संडे ऑफ मे, मई मंथ में, ठीक है। सो मई मंथ में जो सेकेंड संडे आता है, फर्स्ट संडे के बाद जो सेकेंड संडे आता है, उस दिन को मदर्स डे मनाया गया है। इट इज योर डे। सो पापा बोल रहे हैं आज मदर्स डे है, ये आपका दिन है, लेट अस हैव अ पार्टी। सो चलिए हम सब मिलकर अब पार्टी करते हैं मदर्स डे के ओकेशन में। ओके, सो मम्मी ने क्या बोला, वाओ लवली डेकोरेशंस। सो मम्मी को जो है डेकोरेशंस बहुत पसंद आए। सो देखो इन्होंने जो है घर को भी अच्छे से सजा रखा है मम्मी की मदर्स डे पार्टी के लिए। सो मम्मी ने बोला थैंक्स। सो अंजू क्या बोल रही है, डैडी पुट द बलून्स एंड स्ट्रीमर्स। पापा ने जो है ये बलून्स लटकाए हैं और स्ट्रीमर्स, स्ट्रीमर्स क्या होते हैं, ये जो कलरफुल रिबन्स आप देख रहे हो ना, ये सारे होते हैं स्ट्रीमर्स, इनको बोलते हैं स्ट्रीमर्स। हम बर्थडे पार्टी में ये सब चीजें लटकाते हैं ना घरों में डेकोरेट करने के लिए, हाँ। सो ये सब पापा ने किया, अंजू ने इस तरीके से बताया। लेट अस स्टार्ट द पार्टी। सो जीत बोल रहा है चलो अब पार्टी करते हैं। देर इज स्पेशल फूड एंड म्यूजिक, और साथ ही साथ स्पेशल खाना भी था और बहुत अच्छा गाना भी बज रहा था। सो मम्मी ने बोला वाओ। देन अंजू ने क्या बोला, हेयर आर सम कुकीज। देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ कुकीज हैं, कुकीज मतलब बिस्किट की तरह होता है, ठीक है। सो वो मम्मी के लिए वो लेकर आई। देन जीत ने क्या बोला, देर इज जूस फॉर एवरीवन। देखो हम सबके लिए जूस भी है, तो ये सब जो है अब घर में पार्टी मना रहे हैं। देन पापा ने बोला वी ऑल्सो हैव सैंडविचेस हियर, हमारे पास सैंडविचेस भी हैं। सो बहुत सारी चीजें हो गई, अब तो पार्टी अच्छे से मन जाएगी, है ना। देन दे ऑल ईट एंड ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक। फिर उन सब ने खाना खाया और उन्होंने गाने भी सुने क्योंकि वो पार्टी कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर ये अंजू बोल रही है, ठीक है, तो आपको समझना है कि ये कौन बोल रहा है, जिसकी तरफ भी एरो जा रहा है ना, ये पॉइंटर जा रहा है, वही जो है ये सारी चीजें बोल रहा है। तो देखिए अंजू क्या बोल रही है, मॉम हेयर इज अ स्टार फ्रॉम ऑल ऑफ अस। देखिए अंजू ने क्या बनाया है, एक रिबन में एक ब्यूटिफुल गोल्डन कलर का स्टार भी बनाया है और मम्मी को पहना दिया। यू लव अस सो मच, आप हम सबसे बहुत प्यार करते हो। वेन वी आर सिक यू लुक आफ्टर अस, जब हम बीमार होते हैं आप हमारा ध्यान रखती हो। सो अंजू ने ये सब बोलकर मम्मी को एक स्टार का एक माला पहनाया, ठीक है। देन जीत क्या बोल रहा है, यू डू अ लॉट फॉर अस, आप हमारे लिए बहुत कुछ करती हो। यू ऑल्सो हेल्प अस डू वेल इन स्कूल, आप हमारे लिए सारे काम करते हो ताकि हम अपने स्कूल्स में अच्छे अच्छे से पढ़ सके, यानी हम अच्छा कर सके, अपना काम अच्छा सा कर सके स्कूल में, इसके लिए तो हमें बहुत मदद भी करती हो। Then you care for all of us, पापा बोल रहे हैं तुम हम सबका बहुत ख्याल रखती हो। You are the star of the family, और तुम इस घर की स्टार हो, मतलब a special person हो, तुम हमारे लिए एक स्टार की तरह हो, मतलब तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल हो, यहाँ की इस घर का स्टार हो, इस घर का तारा है, ठीक है। देन सो मम्मी जो है बहुत ही ज्यादा खुश हो गई ये सब सुन के, क्योंकि सबने इतना कुछ कहा उनके बारे में। सो मम्मी बहुत खुश हो गई और मम्मी ने क्या बोला, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई हैव अ लवली फैमिली, मेरी फैमिली कितनी प्यारी है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। और मम्मी ने सबको थैंक यू कहा।
सो इतना ही है, यही आपका लेसन है, अ पार्टी फॉर मॉम, यानी मम्मी के लिए पार्टी, वो भी मदर्स डे में। तो ठीक है, सो हमने क्या समझा यहाँ पे कि मदर्स डे कब मनाया जाता है, मई मंथ के सेकेंड संडे को मदर्स डे मनाया जाता है। सो आप भी जल्दी से जाइए और कैलेंडर में जाके मई में जो सेकेंड संडे है उसको सर्कल मार के रखिए और उसके ऊपर जाके लिखिए मदर्स डे, ताकि जब वो दिन आएगा आपको भी अपनी मम्मी को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस देने हैं और साथ ही साथ घर में पार्टी भी करनी है। ठीक है, क्योंकि मदर्स डे बहुत स्पेशल होता है ना, हमारी मम्मी हमारे लिए कितना सारा काम करती है ताकि हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, सो इतना ही है इस लेसन में, अ पार्टी फॉर मॉम। अब इसके बैक एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। सो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक करना है। सो नंबर वन, द फैमिली ऑफ अंजू सेलिब्रेट्स, अंजू की फैमिली ने क्या सेलिब्रेट किया, फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, पेरेंट्स डे। बहुत ही ईजी है ना, मम्मी के लिए उन्होंने मदर्स डे सेलिब्रेट किया था, सो हम मदर्स डे पे टिक मारेंगे। नेक्स्ट, इट इज द सेकेंड संडे ऑफ डैश, बताइए मदर्स डे जो है कौन से महीने के सेकेंड संडे में मनाया जाता है, मई के, है ना, हमने पढ़ा अभी लेसन में, सो मई में हम टिक मारेंगे। What does Jeet bring for everyone? Jeet सबके लिए क्या लाया था? So lesson को अच्छे से पढ़ना है दो तीन बार, तभी आपको समझ में आएगा, है ना? So Jeet सबके लिए juice लाया था, ठीक है? So हम juice पे tick मारेंगे। Then Who brings cookies? Cookies कौन लेकर आया था? Cookies तो अंजू लेकर आई थी, ठीक है? So हम अंजू पे टिक मारेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको लेसन रीड करने के बाद अच्छे से समझना है कि किसने क्या किया था लेसन में। देन देखिए आगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। सो यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए हैं, इसमें करेक्ट वर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। अंजू एंड हर फैमिली हैव अ डैश, सो अंजू और उसकी फैमिली ने क्या किया था, उन्होंने क्या मनाया था, उन्होंने एक पार्टी की थी, है ना? सो हम यहाँ पे पार्टी लिखेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर पार्टी आएगा। देन डैश पुट द बलून्स एंड स्ट्रीमर्स, बलून्स और स्ट्रीमर्स किसने लगाए थे, डैडी ने, ठीक है? सो हम यहाँ पर लिखेंगे डैडी, ठीक है? तो इस तरीके से लिखेंगे आप। देन अंजू गिव्स अ डैश टू हर मॉम, अंजू ने अपनी मॉम को क्या दिया था, वो स्टार वाला हार दिया था, है ना, जो उसने स्टार डालकर एक नेकलेस पहना था ना, सो वो बनाया था मम्मी के लिए। सो अंजू गिव्स अ स्टार टू हर मॉम, सो यहाँ पर स्टार लिखेंगे। अब देखिए, थिंक एंड गिव वन वर्ड आंसर्स, यहाँ पर आपको वन वर्ड आंसर्स देने हैं। सो ये है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स, सिर्फ दो ही क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। देखिए, व्हाट डज रिनी से व्हेन शी गेट्स अ कार्ड एंड फ्लावर्स, सो रिनी कौन है, मम्मी, ठीक है? सो मम्मी ने क्या कहा जब उनको कार्ड और फ्लावर्स दिए गए, सो मम्मी ने कहा थैंक यू, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है, ठीक है? सो मम्मी ने थैंक यू कहा था। सो देखना है आपको लेसन में, ठीक है, जब अंजू ने कार्ड दिया था और जीत ने जो फ्लावर्स दिए थे तो मम्मी ने क्या कहा था, दीज आर वेरी नाइस, थैंक यू, ये सब बहुत अच्छे हैं, थैंक यू, ठीक है? तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। और देन हाउ डस रिनी फील एट द पार्टी, रिनी कैसा फील कर रही थी, मम्मी है रिनी, ठीक है, तो रिनी कैसा फील कर रही थी, सो रिनी जो है बहुत ही हैप्पी फील कर रही थी, सो रिनी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एट द पार्टी। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। इज शी द स्टार ऑफ द फैमिली, तो क्या रिनी अपनी फैमिली की स्टार थी, सो यस, हाँ, है ना, मम्मी को उन्होंने स्टार बोला था क्योंकि मम्मी उनके लिए बहुत सारे काम कर रही थी, ठीक है? सो बहुत कुछ मम्मी उनके लिए करती है, सो मम्मी को उन्होंने स्टार ऑफ द फैमिली कहा था, तो इसका आंसर यस आएगा। क्वेश्चन आंसर्स तो आपको स्कूल से मिल ही जाएंगे, तो वही आपको याद करना है, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि जो स्कूल से दिया जाता है ना, वही आपको याद करना पड़ता है, ठीक है? सो देखा आपने, सो यही है हमारा लेसन, अ पार्टी फॉर मॉम। इसके बाद जो है ग्रामर पार्ट है, ठीक है? सो वो हम बाद में देखेंगे जब हम ग्रामर की बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो इतना ही है वीडियो, होप कि आपको समझ में आया होगा, अ पार्टी फॉर मॉम। सो ये लेसन जो है मदर्स डे के ऊपर है कि आपको मदर्स डे किस तरीके से मनाना चाहिए। ओके, सो इतना ही है वीडियो, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।